वेलकम टू मेडिकल टूबर फ्रेंड्स। मैं आज वीडियो लेके आया हूँ जो एम्स पटना का आंसर के है स्टाफ नर्स के लिए, जो एग्ज़ाम लिया गया था नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसीज के लिए। तो फ्रेंड्स, यह हमारा क्वेश्चंस पार्ट नंबर 2 है, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने पहले पार्ट 1 में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये तीनों का पार्ट बना चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो है नर्सिंग फाउंडेशन का, जिसका पहला क्वेश्चन है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज़ कॉल्ड। तो अगर ऑक्सीजन की कमी होती है ब्लड स्ट्रीम में, तो ब्लड फ्लो में, तो उसे क्या कहा जाता है, इसे हाइपो एग्जेमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर नॉर्मल सर्कुमेस्टेंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर इज एडल्ट पर सेंट, तो ये होता है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर कुबलर रॉस स्टेज ऑफ ग्रीविंग रिफ्यूजिंग टू बिलीव दैट लॉस इन हैपनिंग हैज हैपेंड इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज अ वन ऑफ प्राइमरी रेगुलर ऑफ बॉडी फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नॉर्मल लेवल ऑफ हिमेटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम इज मैन। मैन में जो पैकेट सेल वॉल्यूम होता है या पीसीवी जिसको बोला जाता है, वह कितना होता है, तो 42-50% यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट नीड टू बी परफॉर्म्ड बिफोर रेडियल आर्टरी कैन्यूलेशन टू इवेल्यूएट रेडियल एंड अल्नार आर्टेरियल पेटेंसी, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो होता है एलेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज नॉन एज, तो सिम्टम्स के जो ग्रुप होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे सिंड्रोम्स कहा जाता है। रिथमिक वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये है चेने स्ट्रोक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ए बेड रिडन पेशेंट इज हैविंग इंटैक्ट स्किन एट सैक्रल रीजन एंड द सिम्टम्स ऑफ वार्मनेस पेन एंड फॉर्म स्किन एट द साइट, व्हाट इज द स्टेज ऑफ बेड सोर, बेड सोर का कौन सा स्टेज में यह प्रॉब्लम होता है, तो वह स्टेज नंबर 1 में। फॉलोइंग डेथ द सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस्ड बाय द सर्विंग लव्ड वंस इज कॉल्ड, राइट आंसर ब्रेवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स डोज इंसुलिन हैव टू मूव इनटू द सेल्स, राइट आंसर है पोटेशियम। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डिग्रीज सेल्सियस, तो कदर 37.06 सेल्सियस के बराबर होगा, क्योंकि जो 98.6 होता है वह 37 के डिग्री के बराबर होता है, अर्थात 0.01 बढ़ने की वजह से वह 0.06 बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, डिफरेंट बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायलोस्टिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, राइट आंसर पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक और डायलोस्टिक के बीच में जो प्रेशर होता है उसे पल्स प्रेशर के नाम से जाना जाता है। फार्मूला टू कैलकुलाई BMI, बॉडी मास इंडेक्स के कैलकुलेट करने के लिए, तो वेट इन केजी डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स, तो जो आपका किलो में बॉडी का वेट होता है उसको डिवाइड करना होता है किससे, स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। अगर आपके 2 मीटर, आपकी लंबाई 2 मीटर है एक एग्जाम्पल के, तो आपको इसका स्क्वायर करना है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 4 को डिवाइड करना है, अगर आपका 80 किलो है तो 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 20, तो BMI आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज टू फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर, ईयर के एग्जामिनेशन के लिए, तो इसे ऑटोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिनरी नॉर्मल रेंज एस्प्रोक्ट अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम, तो जो यूरिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी
जो घनत्व होता है वह कितना होता है, 1.012, 1.025 या फिर 30 तक भी माना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इंसर्शंस ऑफ ट्यूब इनसाइड द स्टमक थ्रू द नोज इज कॉल्ड नेसोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। नेक्स्ट है इंट्रावेनस सॉल्यूशन ऑफ 0.45 सोडियम क्लोराइड इज एन सॉल्यूशन हाइपोटोनिक जिसे कहते हैं, जो आरएल होता है वो हाइपोटोनिक 0.45 सोडियम क्लोराइड वाली वो आइस हाइपोटोनिक सॉरी हाइपोटोनिक कहलाता है 0.45 वाली। नेक्स्ट है इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन इज द इंटरनल इन्वायरमेंटल ऑफ द बॉडी व्हेन समवन पेज अवे, तो राइट आंसर है एम्ब्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस एनिमा इज आल्सो कॉल्ड एंटी स्पॉमोडिक एनिमा, इसे कहते हैं कर्मिनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चंस HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन इज द वैल्यू रिफ्लेक्टेड इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द पास्ट मंथ, तो जो 3 मंथ 90 से 120 दिनों तक का जो पास्ट ग्लूकोज का लेवल होता है उसको ज्ञात करने के लिए HbA1c का टेस्ट किया जाता है। द सडनली सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल विथ इन ए फ्यू आवर्स इज कॉल्ड, तो अचानक से टेम्परेचर का फॉल होना गिरना, टेम्परेचर गिरना सडनली अचानक विथ इन ए फ्यू आवर्स इज कॉल्ड, इसे ट्रू क्रिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है इन अ हेल्दी इंडिविजुअल वेटिंग 70 kg एट रेस्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट, तो 70 ml पर ml होता है, पर स्ट्रोक होता है। द फीवर इन विच टेम्परेचर्स रिमेन अबव नॉर्मल थ्रू आउट द डे एंड फ्लूट मोर देन 2 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज नॉन एज फीवर, तो इसे रेमिटेंट कहते हैं। नेक्स्ट है द साइट ऑफ पल्स इज ए द नेक इज कॉल्ड द साइट ऑफ पल्स इन द नेक इज कॉल्ड, राइट आंसर कैरोटिड, जो गले पे लिया जाता है पल्स, तो वह स्थान को क्या कहा जाता है, तो इसे कैरोटिड कहा जाता है क्योंकि वहाँ से कैरोटिड ग्लैंड या कैरोटिड नर्व्स गुजरे रहते हैं, उसे कैरोटिड गले पे जो पल्स लेते हैं उस स्थान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ इज कॉल्ड, तो डेथ के बाद जो बॉडी टेम्परेचर होता है डिक्रीज होती है समाप्त होते जाती है ठंडी पड़ती जाती है उसे एल्गोर मोर्टिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस द डिसकलराइजेशन ऑफ अपीयर्स इन द डिपेंडेंस एरिया ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड, डेथ के बाद जो डिसकलराइजेशन होता है उसे लिवर मोर्टिस कहते हैं। नेक्स्ट है कुसम्योल ब्रीथिंग इज एसोसिएटेड विथ, राइट आंसर डायबिटिक केटो एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चंस एब्जॉर्प्टिव ड्रेसिंग्स आर इंटेंडेड टू, राइट आंसर रिमूव ड्रेंज्ड फ्रॉम द बेड सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर्स आर फॉर एवरी अदर डे, राइट आंसर QOD। नेक्स्ट अ पेशेंट इज टू रिसीव 1000 ml ऑफ IV फ्लूड इन 6 आवर्स, द ड्रॉप फैक्टर इज 15 ड्रॉप्स पर ml एट अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट शुड द फॉलो रेट बी सेट, राइट आंसर 42 ड्रॉप्स, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 42 ड्रॉप्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चंस इन विच ऑफ फॉलोइंग पोजिशन इज द पेशेंट इज ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ शेयरिंग
फोर्स, तो इसका राइट आंसर है हाई फ्लोवर पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मूवमेंट ऑफ द ज्वाइंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, राइट आंसर एबडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट डज द टर्म्स सिलोसिस मीन्स, राइट आंसर क्रैकिंग ऑफ लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ब्रीथिंग दैट इज नॉर्मल इन रेड एंड डेप्थ इज कॉल्ड, राइट आंसर यूपो यूपनोई। अगर आपका श्वसन दर सामान्य है किंतु गहराई नॉर्मल इन रेट एंड डेप्थ डेप्थ गहराई अगर सामान्य है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे यूपनोई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिफनेस इज द बॉडी दैट ऑकर्स आफ्टर 2 to 4 आवर्स आफ्टर डेथ इज कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं रिगोर मोर्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन, ड्राई कोल्ड का एप्लीकेशन नहीं है तो उसे वो कहते हैं कोल्ड कंप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द मैन इंट्रा सेलुलर कैशन इज, तो यह होता है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा इज नॉन इज, तो ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन स्टोमेटिटाइटिस कहते हैं, मेटिटाइस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज द एडमिनिस्टर्ड इमिडिएटली एंड ओनली वन, तो इसका राइट आंसर है स्टेट ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, हमारा यही हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, फंडामेंटल नर्सिंग फंडामेंटल था। अब देखिए नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा वह है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, जिसमें आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, इसके वीडियो को भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा, जिसमें आप जाके सभी इसके सभी पार्ट्स के बारे में देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ चैनल पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।